अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? अल्लाह करे सब ठीक ठाक हो। आज मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और साथ में ये लौकी को पील कर रही हूँ। तो फिर इसे हम काट के उबाल लेंगे और साथ में इसको दूध वाली सब्ज़ी बनाएंगे। इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं है तो मैं बीज नहीं निकाल रही। इस तरह इसको बारीक काट लेंगे। अगर जल्दी हो तो थोड़ा कश कर ले, कद्दू कश करने से जल्दी बन जाता है। ये मैंने काट लिया, अभी मैं बाकी काट के फिर मैं आपको बताती हूँ। लौकी मैंने सारी काट ली है, अब मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैंने एक बर्तन ले लिया है, अब इसमें मैं वॉश की हुई लौकी डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इससे उबाल के फिर हम आपसे मिलते हैं। पहले बॉईल कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए भाई, हमारी लौकी तैयार हो गई है, उबल गई है। सही, माशाल्लाह बिल्कुल सही पकती है। अभी मैं इसका पानी निकाल लूँगी और थोड़े से इस पर से छोटे पीस कर देती हूँ। इस तरह, चलो हम इसका भी तड़का बना लेते हैं। ये हम दूध वाले कद्दू बनाएंगे, इसमें ज़्यादा चीज़ें तो आपको पता डलती ही नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ें डलेंगी। इसका मैं थोड़ा सा पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये पानी गिराना नहीं चाहिए। इसको अगर आप पानी पी लें, ये लौकी का पानी पी लें, कद्दू भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं, आप जो भी चाहें वो बोल सकते हैं। आपको पिए, ये सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसका पानी जब भी आप उबालें तो इसे गिराए मत, आप इसे इस्तेमाल कर लें, किसी सालन में डाल लें, पी लें, जैसे आपकी मर्जी। बर्तन रख लिया, अभी इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। ऑयल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने एक कप ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो गया, अभी इसमें जीरा डाल देते हैं। देखिए जीरा थोड़ा सा लाल हो गया, इसमें लहसुन डाल देते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल दिए हैं। अब इसको एक मिनट में सौते कर लेती हूँ।
इसमें हरी मिर्च डाल दें और साथ में काली मिर्च डाल दें। इसे मैं तकरीबन हल्की आंच पे 5 मिनट रख दूंगी। थोड़ी ये अच्छा सा इसमें मिर्च और चला जाए भी थोड़ा नमक भी डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दूँ। नमक मैंने कम रखे क्योंकि आज कल बीपी का मसला होता है, तो फिर नमक कम खाते हैं, सब्जी कम रखते। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने मिक्स कर दिया और इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रखूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए सब्जी लौकी की अच्छी सी तैयार हो गई है और आयल भी इसने छोड़ दिए, आप लोगों को नज़र आ रहा है। अभी मैं इसमें दूध डालूंगी। आज मैंने बिरयानी रखी है, ज़्यादा तेज नहीं है, आप ही बिरयानी रखी। अभी मैंने 1 कप रख डाले, इसे मिक्स करके देखूंगी, अगर मुझे और 1 कप जैसे समझ आ रही है कि ये कम है तो फिर मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी। मेरे ख्याल से ये इस लौकी के लिए काफ़ी है। अब मैं इसे हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट और रख दूंगी, ये अच्छे से दूध इसमें जज्ब हो जाएगा और फिर से मैं इसको डिश में निकालूंगी, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ।